नमस्कार, मैं हूं इमरान हाशमी, आप देख रहे हैं अपना लाइव न्यूज़। आज दोस्तों पेट्रोल पंप, ये पेट्रोल पंप तिवारी पेट्रोल पंप है कंकड़बाग पटना, यहाँ पे ऐसा दुश्वार हो गया गाड़ी चलाना, टू व्हीलर फोर व्हीलर, जो अन्याय हो रहा है। कहीं कहीं ऐसा स्टेट में है जो रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है और बेरहमी से बाइक चालक को बेरहमी से पीट दिया जाता है, अन्याय किया जा रहा है। तो मेरे साथ एक भाई हैं जो प्रदूषण के लिए आए थे अपना बुलेट लेकर, उनसे हम बात करते हैं कि ऐसा उनके साथ क्या घटना घटी थी जो मेरे साथ बात करने के लिए बेताब हैं। तो नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? राकेश कुमार सिंह। सर आपके साथ ऐसा कंकड़बाग का रहने वाला हूँ। कल बच्चा से स्कूल से मैं आ रहा था, बहादुरपुर के पास चेकिंग दौरान मेरे को प्रदूषण के चलते फाइन किया गया, जिसके बजाय मैं 5,000 रुपया दिया उसको कैश। 5,000 रुपया दिया आपने? कैश दिया। 1,000 का क्या रसीद में है वो दिखा सकता हूँ, लेकिन वो मेरा बगल में डेरा है जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। हाँ छूट गया जी। हाँ छूट गया है, बगल में है, 2 मिनट का कदम पर जी। बताइए ये कौन सा कानून बना दिया है? जैसे मैं देखा जा रहा है कि इसे ये हेलमेट नहीं है तो सड़क, ये कौन सा विकास करना चाहते हैं कि जो अगला आदमी 5,000 कैश दे? मेरे साथ नहीं, कितने लोगों के साथ हो रहा है रोज का रोज जी। ये मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ हो रहा है। प्रदूषण जांच के लिए बहुत सारे भाई आ रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे कि से ऐसा क्या शिकायतें हैं, क्या तकलीफ हो रहा है, क्या उनको प्रॉब्लम हो रहा है। हैं रोड पे हर कोई है, ऐसा नहीं है, हम अकेले शिकार नहीं हुए, कल बहुत सारे लोग हैं। जी इसमें कल एग्जीशन रोड पे ये बुरी तरह से लोगों को पीटा गया है। बताइए पीटे सबके और सब अपने मनमानी काम कर रहे हैं। जब 5,000 कैश दिया जा रहा है तो 5,000 का रसीद ही मिलना चाहिए। 4,000 रुपये जेब में डालते, 1,000 का रसीद देते हैं, ऐसा बहुत सारा अन्याय हो रहा है। तो और भी लोगों से हम बात करते हैं जो ये दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं प्रतिदिन रोज का, इस सब का नाटक मन रोज आदमी देख रहा है, देख रहा है। ये पता ना नितिन जयराम जी कौन सा विकास कर रहे हैं जो लोगों को बुरी तरह से पीट पीट कर। आगे हम बात करते हैं कोई से दूसरे जी। नियम तो सही है, पब्लिक के लिए ही सही है, अपना उका पॉकेट में नहीं ना रख रहे हैं, पब्लिक के लिए ही है, पब्लिक के सेफ्टी के लिए ही है। वो तो 100% करना चाहिए ये सब का। एक्सीडेंट से बचेगा ना लोग, जो नाबालिग लोग मोटरसाइकिल चलाता है, फोर व्हीलर चलाता है बिना लाइसेंस का, उसको तो सुधार करने के लिए कुछ तो कड़ा नियम लागू करना ही चाहिए। तो सर कहीं पे ऐसा भी देखा जाता है कि इससे कुछ लोग को पिटाई पड़ जाती है, जैसे मैं कल एग्जीशन रोड पे फोर व्हीलर को ये प्रदूषण पेपर फाड़ दिया था। वो तो प्रशासन ना दिक्कत कर रहा है, प्रशासन गलती कर रहा है प्रशासन। हाँ, जो अगर कॉलर पकड़ेगा तो मारपीट तो होना ही है। हाँ जी, गाली गलौज भी हुआ था उस पर। और एक और सर, एक 5,000 रुपये के एक आदमी वो कैश देते हैं, उनको बिल मिलता है 1,000 का, तो सीधे 4,000 रुपये जेब में जाता है। ये तो प्रशासन को ना देखना है, ये तो बिहार ये सब जो ट्रैफिक पुलिस लगे लोग अपना वो तो DGP को चाहिए कि अपना प्रशासन को दुरुस्त करे, ये सब कमी जो है वो लोग ठीक करें। सब तो पुराना आदत लगा हुआ है पैसा खाने वाला, 100 रुपया 1,000 दो 100 रुपया के चलान लो। तो ये सब मनमानी कुछ ट्रैफिक पुलिस अपने मन से मनमानी कर रहे हैं, बाकी और क्या, ऊपर से जो आदेश है सब सही है। ऊपर वाला तो ठीक कर रहा है, नीचे वाला ही सब चोर चुहा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसा कि मैंने बात किया, मेरे साथ सर थे, वो बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। तो और भी लोगों से बात करते, तब तक के लिए बने रहिए इमरान हाशमी के साथ।